हैप्पी इवनिंग डियर फ्रेंड्स एंड वेरी वेरी हैप्पी वर्ल्ड एम्ब्रियोलॉजिस्ट डे। मैं डॉक्टर सीमा पांडे आपके बीच आज फिर से हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज ही के दिन विश्व ने पहला टेस्ट ट्यूब बेबी लाइव बर्थ रिकॉर्ड किया था 1978 में, और उस बच्चे का नाम था लुइस ब्राउन, जो आज खुद माँ बन चुकी है। उसके बाद से जो ये IVF की पूरी प्रक्रिया थी टेस्ट ट्यूब बेबी की, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, और आपको जान के खुशी होगी कि इंडिया की टेस्ट ट्यूब बेबी हिस्ट्री कोई उससे पीछे नहीं चल रही थी। मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि उसी साल October 3rd को हमारे लेट डॉक्टर सुभाष मुखर्जी ने फर्स्ट इंडियन टेस्ट ट्यूब बेबी दुर्गा या कनुप्रिया अग्रवाल के जन्म का ऐलान किया था, और उस पर बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई थी, क्योंकि हमारे देश में जो हम काम करते हैं, हमारे पास वर्कलोड इतना होता है कि कई बार हम ये भूल जाते हैं कि हमको इसको अच्छे से किसी रिसर्च पेपर में डॉक्यूमेंट करना चाहिए। लेकिन बेसिकली वो बहुत सारा पॉलिटिक्स था, जिसकी वजह से डॉक्टर सुभाष मुखर्जी को उनकी इस इतनी बड़ी चीज़ का श्रेय नहीं मिला था। और बहुत बाद में 1986 में जब इंडिया का फर्स्ट रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंटेड साइंटिफिकली प्रूवन बेबी हर्षा का जन्म हुआ था, तो उस वक्त उस टीम ने लेट डॉक्टर सुभाष मुखर्जी को उनके इस साइंटिफिक अचीवमेंट की पोस्ट ह्यूमसली, तब तक उनकी सैडली डेथ हो चुकी थी, उनको वो रिकग्निशन दिलाने का बीड़ा उठाया था। और वर्ल्ड ने फिर इसको माना कि इन वर्ल्ड का सेकंड टेस्ट ट्यूब बेबी कनुप्रिया अग्रवाल या दुर्गा सुभाष मुखर्जी द्वारा इंडिया में पैदा की गई थी। ये टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा करने की जो कहानी है, ये 1900 से चल रही थी। जानवरों में बहुत सारी प्रक्रियाएं की जा रही थी, लेकिन हम एक माइलस्टोन, मुझे हिस्ट्री बहुत पसंद है, तो हिस्ट्री में माइलस्टोन्स होते हैं, मेन चीज़ें जो आदमी सोचता है जब किसी चीज़ के बारे में बात करता है। तो उसमें मैं पढ़ रही थी तो मुझे पता चला कि जो पहला ह्यूमन एग औरत के शरीर के बाहर फर्टिलाइज किया गया था, वो इंग्लैंड में किया गया था सेम उसी टीम के मिस्टर एडवर्ड के द्वारा इन 1973 में ऑस्ट्रेलिया ने एक प्रेगनेंसी रिपोर्ट की थी, लेकिन वो IVF प्रेगनेंसी जो थी वो बायोकेमिकल हो गई थी। ब्लड में तो लेवल बढ़ा था प्रेगनेंसी का, लेकिन वो प्रेगनेंसी कभी भी यूट्रस में दिखाई नहीं पड़ी थी। उसके बाद से ये हमारे पैट्रिक स्ट्रेप्टो एंड रॉबर्ट एडवर्ड्स, इनको क्रेडिट जाता है वर्ल्ड का फर्स्ट लाइव बेबी देने का, टेस्ट ट्यूब बेबी का। इन्हीं के द्वारा 1976 में एक प्रेगनेंसी आई जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई थी, जो कि ट्यूब में ही रह गई थी, बाहर ट्यूब में चली गई थी, और वो बच्चा भी नहीं पैदा हुआ था। और फाइनली 25 जुलाई 1978 को पैट्रिक स्ट्रेप्टो और रॉबर्ट एडवर्ड्स के द्वारा पहला अनाउंसमेंट हुआ कि फर्स्ट लाइव फीमेल बेबी पैदा हुई है टेस्ट ट्यूब बेबी के प्रक्रिया के द्वारा। तो ये जो पहले टेस्ट ट्यूब बेबीज थे, ये सारे टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे किए जाते थे, ये आपके शरीर में औरत के जो हर महीने एक अंडा बनता था उसको वो लोग फॉलो करते थे। फॉलो करके जब वो देखते थे कि 16 से 18 mm का हो गया, तो वो दूरबीन डालते थे, दूरबीन से उस अंडे को बाहर निकालते थे, लैब में तरह तरह के मीडिया बनाते थे, और उससे मिला करके हस्बैंड का सीमन लेते थे, उस मीडिया में उसको फर्टिलाइज करते थे, फिर औरत के गर्भ में उसको ट्रांसफ़र करते थे। तो अमूमन ये साइकिल्स बहुत कैंसिल हुआ करती थी, और मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि 102 साइकिल्स फेल हुई थी तब जाकर के पहला टेस्ट ट्यूब बेबी जिंदा पैदा हुआ था। सोचिए कितनी मेहनत की थी, अगर उन्होंने हार मान ली होती तो आज हमारे पास ऐसी वंडरफुल प्रक्रिया नहीं होती, जिसके द्वारा उन माँ बाप को मातृत्व और पितृत्व का सुख प्राप्त हो रहा है, जो आज से 50 साल पहले सोच नहीं सकते थे कि उनको भी संतान सुख प्राप्त हो सकता है। तो उसके बाद ये साथ साथ में जो बच्चा रोकने के लिए दवाएं हैं, इंजेक्शंस हैं, इनका जो डेवलपमेंट था वो इससे पहले से चल रहा था। 1949 में SCG इंजेक्शन आ गया था, लगभग 60s में, या 1942 में SCG आ गया था, 49 में HMG आ गया था, ये सब इंजेक्शंस हैं जो लगाए जाते हैं।
65 तक ये सारा कुछ ऑफिशियली उपलब्ध हो गया था इस्तेमाल करने के लिए। और इन सब इंजेक्शंस के द्वारा जो डॉक्टर सुभाष मुखर्जी ने बच्चा पैदा किया था वो नेचुरल साइकिल ने किया था, उन्होंने सारी एडवांस प्रक्रियाएं इस्तेमाल करके उस बच्चे को पैदा किया था। और उस वक्त साइंटिस्ट ने इतना डेवलप ही नहीं किया था कि उनकी उन बातों पे किसी को यकीन नहीं हो रहा था। फिर आया 1980 में अमेरिका में इन इंजेक्शंस को लगा करके औरत के अंदर ज़्यादा अंडे बना करके उनको दूरबीन से निकाला गया और उससे जब बच्चा पैदा करने की कोशिश की गई टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा, तो वो 3 अटेम्प्ट में ही सक्सेसफुल हो गए। तो वो 1980 था जब पहली बार इंजेक्शन द्वारा ज़्यादा अंडे बना करके उनको निकाला गया। उसके बाद ग्रेजुअली फिर जब ट्रांसविजाइनल अल्ट्रासाउंड का आविष्कार हो गया तो उसके बाद ये प्रक्रिया और सरल हो गई। उन अंडों को निकालने के लिए हमें औरत के अंदर दूरबीन नहीं डालना पड़ता था, अब हम उसको ट्रांसविजाइनल विधि द्वारा जा करके और अंडों को हल्की बेहोशी दे करके निकाल लेते हैं। तो इस तरह से ये सारा रिवोल्यूशन हुआ। इसका मेन रिवोल्यूशन था जो अमूमन नेचुरल साइकिल में कभी अंडा मिलता था कभी नहीं मिलता था, एवरेज 0.6 अंडा मिलता है एक बार की साइकिल में। तो सोचिए कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग और डिप्रेसिंग होता होगा वो। उसमें पूरी तरह से बदलाव आ गया एक बार जब हमको गोनाडोट्रोपिन इंजेक्शंस मिले और हमने देखा कि उसके साथ तो हम बहुत सारे अंडे बना सकते हैं। उनको निकाल करके अगर हमारे पास ज़्यादा अंडे रहेंगे तो हमको ज़्यादा गर्भ बनेगा, ज़्यादा गर्भ बनेगा तो ज़्यादा बच्चा होने की चांसेस रहेंगे उनके सक्सेस होने के। उसके साथ साथ वो जो मीडिया है बाहर निकाल करके जब टेस्ट ट्यूब बेबी करते हैं तो उसको जो करने की प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया में आपको मैंने क्या बताया है कि नॉर्मली बच्चा जो है इस ट्यूब में रुकता है, फेलोपियन ट्यूब में इधर से अंडा आता है और इधर से स्पर्म जाता है, दोनों आपस में फेलोपियन ट्यूब में मिलते हैं, गर्भ रुकने की शुरुआत यहाँ पे होती है। तो जब तक हम वो प्रॉपर एटमोसफेयर जो इस ट्यूब में अंडे और बीज को मिल रहा है वो बाहर नहीं देते हैं तब तक हमको फर्टिलाइजेशन नहीं मिलता है। और उस प्रक्रिया को मास्टर करने में लगभग 78 से 20 ईयर्स लगा। कंटिन्यूसली साइंटिस्ट काम करते रहे इस पर और एक दिन ऐसा अब आ गया है कि अब हमारे पास इतने अच्छे अच्छे मीडिया हैं कि हम लैब में ब्लास्टोसिस्ट स्टेज तक अपने एम्ब्रियोज को ग्रो कर लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था। फिर हर चीज़ जो भी चीज़ आती है उसके अच्छे के साथ साथ उसके बुरी चीज़ें भी होती हैं। फिर हम लोगों ने बहुत इंजेक्शन इस्तेमाल करने शुरू कर दिए कि ज़्यादा अंडा बन जाए, औरत को बार बार उस कष्ट ना हो। लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट हुआ ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम। ये एक प्रक्रिया होती है, ये एक कंडीशन होती है बॉडी की जिसमें अगर आपके बॉडी में ज़्यादा अंडे बन जाते हैं तो आपकी बॉडी में जो केमिकल्स निकलते हैं वो आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं। आपके पेट में पानी भर जाता है, आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, आपके ब्लड के कोएगुलेशन में दिक्कत होती है। तो उन चीज़ों को रोकने के लिए फिर और इंजेक्शंस बने, अलग अलग तरह के तरीके टेक्निक्स आई, एंटागनिस्ट, एगनिस्ट, ये सारी चीज़ें आती रहीं, उपलब्ध होती रहीं। और उनकी वो करते करते आज हमारा IVF जो है वो इतना ज़्यादा पूरी तरह से ऑलमोस्ट हम OHSS फ्री क्लिनिक कहते हैं अपने आप को कि हमारे यहाँ OHSS के चांसेस कम हो, एकदम ना के बराबर हो चुके हैं। पेशेंट को किसी तरह का जान का खतरा नेग्लिजिबल होता है और हमने इन सारी प्रक्रिया को बहुत ज़्यादा सुदृढ़ कर लिया है, सुव्यवस्थित कर लिया है, यही शब्द शायद मैं इस्तेमाल करूँगी इसके लिए। और जिसकी वजह से आप यकीन नहीं मानेंगे कि 1 से 3% बच्चे अमेरिका और यूरोप में टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा पैदा किए जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी संख्या है। आज की तारीख में दुनिया में 10 मिलियन से ज़्यादा बच्चे टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा पैदा हो चुके हैं। पहले शुरू में जब लुईस ब्राउन पैदा हुई तो लोगों ने कहा अरे ये तो बाहर पैदा हुई है, इसको तो बच्चा ही नहीं होगा। फिर 2006 में उसने भी एक बेटी को जन्म दिया, वो भी नेचुरली दिया, उसका कोई IVF नहीं किया गया और बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ। तब वर्ल्ड को इस प्रक्रिया पे पूरी तरह से
ट्रस्ट होने लगा और 90s के बाद इनफर्टिलिटी इंडस्ट्री और ART इंडस्ट्रीज को कहते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्निक, उसमें एक बूम आया और इंडिया में चीज़ें लीगलाइज होने लगी, दवाएं यहाँ पे बनने लग गई, इंजेक्शंस बनने लग गए, बाहर से भी जो चीज़ें आती थी वो अच्छे से आने लग गई और हमारे यहाँ भी ये प्रक्रिया अच्छे से चालू हो गई। आज की तारीख में फिर नेक्स्ट माइलस्टोन क्या था? पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हम कैसे करते थे, नॉर्मली IVF क्या होता है, मैं आपको यहाँ ये भी बताती चलूँ। तो जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि हर महीने औरत को नॉर्मली एक यूट्रस होता है, दो ट्यूब्स होती हैं और दो अंडाशय होते हैं, लगभग सबको, किसी किसी को एक ट्यूब एक अंडाशय भी होता है। तो हर महीने कभी इधर से कभी इधर के अंडाशय से कोई एक अंडा सेलेक्ट होता है मासिक के पहले से चौथे दिन के बीच, फिर चौथे से चौदहवें दिन के बीच वो बढ़ता है। जब वो अंडा 20 से 25 मिलीमीटर का हो जाता है तो MC के 15वें से 17वें दिन के बीच वो फूट जाती है पानी की चिल्ली, अंडा बाहर आता है, तो ये ट्यूब हाथ बढ़ा के इसको अपने अंदर ले लेती है। अब पति पत्नी साथ रहते हैं तो सीमेन इस विजाइना में आता है। अगर सीमेन की मात्रा 1.5 से 5 ml हो, उसके 1 ml में 15 से 20 लाख से ज़्यादा शुक्राणु हो और उनमें से 40% तेज चलने वाले हों और ये ट्यूब खुली हो, तब जाके एक स्पर्म इस अंडे तक पहुँचता है। अंडे और बीज के मिलने की प्रक्रिया यहीं पे शुरू होती है और गर्भ यहीं पे बनता है। पहले गर्भ 2-4 दिन यहाँ बढ़ता है, उसके बाद यहाँ छोटे छोटे बाल होते हैं, उनके माध्यम से खिसकता हुआ बच्चेदानी में जाता है, 9 महीने यहाँ रहता है। ये नॉर्मल बच्चा रुकने की प्रक्रिया है। ईश्वर की सारी साइंस और सारा मैथमेटिक्स आर्किटेक्चर इतना परफेक्ट है कि वो एक अंडे से बच्चा रोक देता है, लेकिन इंसान इतना परफेक्ट नहीं है तो उसको ज़्यादा अंडे की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए हम जब किसी का IVF करने जाते हैं तो हम उसको इंजेक्शन लगा के उसके अंदर 8-10-15 अंडे बनाने की कोशिश करते हैं। ये देखा गया है कि 15 अंडे बनने तक मैक्सिमम प्रेगनेंसी होने के चांसेस होते हैं। जब अंडों की संख्या 15 के ऊपर जाने लगती है तो उनकी क्वालिटी ख़राब होने लगती है, जब 4 से नीचे होती है तो भी क्वालिटी ख़राब होती है। तो सबसे अच्छा 5 से 15 के बीच में जिनको अंडे मिलते हैं उनके अंदर हम इतना गर्भ बना पाते हैं कि 40 से 50% प्रेगनेंसी रेट दे सकें हम। तो ये है IVF की प्रक्रिया। IVF की प्रक्रिया पहले कैसे की जाती थी कि ये प्रक्रिया का आविष्कार हुआ था उन दंपतियों के लिए जिनकी पत्नी के फैलोपियन ट्यूब किसी कारण से बंद हो गई थी और अंडा और बीज आपस में नहीं मिल रहे थे। तो जो काम ट्यूब में किया जाता था जब वो बाहर मशीन में या परख नली में किया जाने लगा तो उसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहने लगे। तो ये सिंपल तौर पे IVF की प्रक्रिया है, ये सिंपल बच्चा रुकने की प्रक्रिया है। IVF की प्रक्रिया में हम आपकी महिला को हम 10 से 12 दिन इंजेक्शन लगाते हैं, उनके अंदर 8 से 15 अंडे बनाने की कोशिश करते हैं, फिर हम उनको एक हल्की बेहोशी की दवाई दे करके उन अंडों को अल्ट्रासाउंड द्वारा बाहर निकालते हैं की मदद से, और फिर उन अंडों को लेबोरेटरी में ले जाके हस्बैंड के सीमन से स्पर्म लेकर के उनको एक पेट्री डिश में डाल करके एक मशीन में रख देते हैं और फर्टिलाइजेशन का वेट करते हैं। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद जब गर्भ बनने की शुरुआत होने लगती है तो उस गर्भ को या तो गर्भ के Day 2, Day 3 या Day 5 पे हम स्त्री के गर्भाशय में ट्रांसफ़र करते हैं। ये कन्वेंशनल IVF है। इस IVF से सिर्फ उन दंपतियों को मदद मिल रही थी जिनको बहुत दिनों से बच्चा नहीं होता था, जिनकी ट्यूब बंद थी और जिनके हस्बैंड का सीमेन काउंट 5 लाख से ऊपर था, लेकिन वो लोग जिनके पतियों में स्पर्म थे नहीं या सिर्फ शुक्राणु उनके टेस्टिस या गोली में थे वो बाहर नहीं आते थे, या 1-2 थे, 1 मिलियन थे, 2 मिलियन थे, उन लोगों को बच्चा नहीं रुकता था तो वो फिर भी निराश थे। तो फिर नेक्स्ट माइलस्टोन आया 1992 में, जब हमारी ICSI नाम की प्रक्रिया पे साइंटिस्ट ने ICSI नाम की प्रक्रिया की खोज की। ICSI का मतलब होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। नॉर्मली जब फर्टिलाइजेशन होता है, अंडा और बीज मिलके गर्भ बनाते हैं, तो अंडा गोल होता है, बीज लंबा होता है, बीज को अंडे की दीवार तोड़ करके उसके अंदर घुसना होता है, इसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जब ये प्रक्रिया हम मशीन से लैब में करते
करते हैं तो इसको हम इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन या इक्सी कहते हैं। और ये प्रक्रिया उन लोगों के लिए वरदान साबित हुई जिनके में मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी थी, जिनके हस्बैंड्स के सीमन में स्पर्म नेग्लिजिबल थे, क्योंकि IVF करने के लिए भी मिनिमम काउंट 5 मिलियन या 5 लाख पर ML हमको चाहिए होता था। तो ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन हुआ IVF की हिस्ट्री में। उसके बाद से फिर आगे आया कि कुछ देखा गया कि भाई अंडे तो हम बहुत अच्छे बना ले रहे हैं, गर्भ भी बहुत अच्छे तैयार हो रहे हैं, लेकिन मतलब प्रेगनेंसी उस हिसाब से नहीं मिल रही है जो हमारी शुरुआत की प्रेगनेंसी रेट थी। हमारा फर्टिलाइजेशन रेट 80-100% पहुंच गया था, एम्ब्रियो डे 3 बनने हमारे 60-80% पहुंच गए थे, लेकिन जो हमको रियल प्रेगनेंसी मिल रही थी वो 25-30% थी, जो बढ़ के 40 तक गई। और लेकिन टेक होम बेबी रेट जो 9 महीने पे बच्चा पैदा होता है, जिसको जिंदा बच्चा घर ले जाने की रेट, फिर भी 25-30% थी। तो इसके कारण ढूंढे जाने लगे। उस कारण में सबसे बड़ा कारण पता चला कि ये जो बच्चेदानी की लाइनिंग है एंडोमेट्रियम, ये अपने को हर महीने जब तक अंडा बढ़ रहा होता है तैयार करती है गर्भ रोकने के लिए। ये हर महीने अपने को खा पी के मोटा करती है, गर्भ रुकता है तो उसको पालती है, गर्भ नहीं रुकता है तो झड़के मासिक बन के गिर जाती है। लेकिन हमारे ईश्वर ने, कुदरत ने इस झिल्ली को एक बच्चा पैदा करने के लिए बताया है। ह्यूमन बीइंग को एक ही बच्चा पैदा होता है, बहुत रेयरली ट्विंस और ट्रिपलेट्स होते हैं किसी को नेचुरली। तो अब इस एक की झिल्ली के ऊपर 15 अंडों का बोझ दिया जा रहा है, उनका हार्मोन दिया जा रहा है, तो ये झिल्ली गड़बड़ हो जा रही है। तो ये देखा गया कि हम फ्रेश ट्रांसफर गर्भ बना रहे हैं, अंदर डाल रहे हैं, और अंदर हार्मोनल सिचुएशन की तो बैंड बजी हुई है, वहाँ पे तो ब्लास्ट हो रखा है, ईस्ट्रोजन का लेवल इतना बढ़ा हुआ है कि वो तो कुछ काम ही नहीं हो रहा है। तो इस प्रक्रिया से लड़ने के लिए तब हमको नेक्स्ट माइलस्टोन मिला विट्रिफिकेशन और क्रायो प्रिजर्वेशन के रूप में। वो क्या था कि हम ये देखा गया, ये एनिमल हस्बेंड्री में बहुत पहले से यूज़ हो रहा था क्रायो प्रिजर्वेशन, फ्रीजिंग। हम जो भी गर्भ बना रहे हैं उसको फ्रीज करके अगर रख दें, और इस महिला जिसको इस महीने हमने अंडे निकाले, इसको इस महीने ना टच करें, इसको ट्रांसफ़र ना करें, इसको पीरियड आने दें, और नेक्स्ट महीने में इसको तैयार करके तब इसकी झिल्ली जब बने अच्छी अपने आप या दवा से उसमें ट्रांसफ़र करें, तो हमने देखा कि हमारा प्रेगनेंसी रेट अचानक से बहुत हाई हो गया, 80% तक जाने लगा, 70% जाने लग गया। तो हमने उस पर रिसर्च किया तो पाया कि जो वो हॉर्मोन्स का लेवल था वो इस झिल्ली को डिस्टर्ब कर दे रहा था, जिससे जो हम गर्भ बढ़िया से बढ़िया डाल रहे थे वो गर्भ इस पर चिपक नहीं रहा था बच्चेदानी पे। इसको इम्प्लांटेशन फेलियर कहते हैं। तो बहुत सारे पेशेंट्स आज की तारीख में, हमने अंडा बनाने में लगभग 100% महारत हासिल कर ली है, एम्ब्रियोज बनाने में 99% हासिल कर ली है, लेकिन हमारा जो लिमिटिंग फैक्टर है वो बच्चेदानी की ये झिल्ली और इसमें इम्प्लांटेशन। कौन सा गर्भ चिपकता है, कौन सा गर्भ गर्भाशय रिजेक्ट कर देता है, इसकी पूरी जानकारी अभी तक साइंटिस्ट को नहीं हुई है। अगर इस प्रक्रिया पे, इस इम्प्लांटेशन के साइंस पे हम पूरी तरह से विजय पा लें, तो हो सकता है कि फ्यूचर में हमारे टेस्ट ट्यूब बेबी की सक्सेस रेट 100% हो जाए, जैसा कि आप उम्मीद करके मेरे पास आते हैं। लेकिन सैडली आज की तारीख में हमने इस पे अभी विजय नहीं पाई है, हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हम नहीं जान पाए हैं, इसलिए हमारी IVF की सक्सेस रेट अभी भी 45-50% है क्लिनिकल प्रेगनेंसी की, और 30-35% टेक होम बेबी रेट है। इससे ज़्यादा अगर कोई आपको बताता है तो वो आपको भ्रमित कर रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है, क्योंकि अभी भी साइंस ईश्वर और उसकी डिज़ाइन पे, उसकी ड्राइंग पे इतनी दूर तक विजय नहीं पा पाया है। तो ये जो विट्रिफिकेशन स्लो फ्रीजिंग था उसको क्रायो प्रिजर्वेशन कहते थे। फिर जैपनीज ने एक और टेक्निक निकाली, तो वो जो स्लो फ्रीजिंग थी उसमें बहुत सारे गर्भ खराब हो जाते थे, तो जब उनको हम दोबारा से गर्म करके अंदर डालने शुरू करते थे
तो गड़बड़ हो जाता था। तो ये विट्रिफिकेशन की प्रोसेस आई, ये फास्ट फ्रीजिंग है। हमने गर्भ बनाया, उसको फटाफट 2-4 मिनट 10 मिनट 11 मिनट का प्रोसेस होता है, उसके थ्रू हम इसको तुरंत फ्रीज करके रख देते हैं। फिर जब हमको ये गर्भाशय में ट्रांसफ़र करना होता है, उसके 2 से 3 घंटे पहले इसको निकालते हैं, फिर इसको गर्म करके नॉर्मल वो -200 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने फ्रीज किया था लिक्विड नाइट्रोजन में, अब इसको गर्म करते हैं, ऊपर ले आते हैं, रूम टेम्परेचर पे करते हैं। तब ये ब्लास्ट अपने फिर से, इसकी ग्रोथ वहीं पे रुक गई थी, जैसे आप बीज रखते हैं उसी तरह से ये भी है तो वो फिर से वहाँ से बढ़ना शुरू करता है और हम उसको उसके बाद उसको ट्रांसफ़र करते हैं, जिसको फ्रीज थॉ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र साइकिल कहते हैं, FET साइकिल कहते हैं। जो लोग मेरे पास IVF की प्रक्रिया कराने आते हैं उन्हें इस बात की जानकारी है कि मैं जिस महीने में गर्भ बनाती हूँ उस महीने में ट्रांसफ़र नहीं करती हूँ। ऑलमोस्ट 100% पेशेंट्स में जब तक कोई इमरजेंसी का कारण ना हो, मेरी कोशिश होती है कि इसको अगले महीने ट्रांसफ़र किया जाए। तो ये विट्रिफिकेशन एक नेक्स्ट माइलस्टोन था जिसने पूरा रिवोल्यूशनाइज कर दिया हमारे ARTC की सक्सेस को, हमारे IVF इंडस्ट्री के पूरे बिजनेस को, क्योंकि जितना अच्छा सक्सेस होती है उतना ज़्यादा लोग इसकी तरफ ड्रॉन होते हैं। फिर उसके बाद नंबर आया, बहुत सारे दंपतियों को जो बच्चे होते हैं उनको नेचुरल प्रेगनेंसी तो रुक जाती है, लेकिन वो बच्चे शारीरिक रूप से मानसिक रूप से विकलांग होते हैं और वो IVF में भी वो विकलांगता आप रूल आउट नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए फिर नेक्स्ट स्टेप आया, प्री जेनेटिक काउंसलिंग, डायग्नोसिस, स्क्रीनिंग, जहाँ पे इन लोगों को पहले कपल को हम लोग डायग्नोस कर लेते हैं, फिर जो गर्भ हमें डालना होता है उसकी बायोप्सी करके उसमें कुछ बीमारियों का पता लगा लेते हैं, और अगर वो जो एम्ब्रियोज हेल्दी होते हैं उनको हम ट्रांसफ़र करते हैं, जिनमें बीमारी होती है उस एम्ब्रियो को नहीं ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया इन्वेजिव थी, इसमें पहले वो 8 कोशिकाओं वाले D3 एम्ब्रियोज पे करते थे, तो वो आगे चल के डर रहता था कि उनका कोई अंग भंग ना हो जाए। फिर हमने D5 पे ब्लास्टोसिस स्टेज पे करना शुरू किया, तो हम उसको बच्चेदानी की उस भ्रूण के बाहर की जो झिल्ली होती है ट्रोफो एक्टोडर्म, उस बायोप्सी को लेकर के उससे करने की शुरू किया, और उसको उसमें बीमारियां लेकिन कई बार 100% नहीं पता चलती हैं, फिर भी चांसेस रहते हैं मिस होने के। आज की तारीख में हम और आगे बढ़ गए हैं और हम NGS टेक्निक पे पहुंच गए हैं, नॉन इन्वेजिव जेनेटिक स्क्रीनिंग, जिसमें जो ये एम्ब्रियो है इसको जिस मीडिया में हम कल्चर करते हैं उस मीडिया जिस पानी में या दवाई में रखा है उस दवाई में ये एम्ब्रियो अपनी कुछ कोशिकाओं को गिराता है, उन कोशिकाओं में हम जेनेटिक टेस्टिंग कर ले रहे हैं और उससे हम बीमारियों का पता लगा रहे हैं। इस तरह से साइंस दिन प्रतिदिन आपके लिए, आपकी अच्छाई के लिए, आपको एक स्वस्थ बच्चा देने के प्रति प्रतिबद्ध है और उसकी तरफ काम कर रहा है। उसके साथ साथ हमने देखा कि ये जो हम फ्रोजन थॉ एम्ब्रियो ट्रांसफर कर रहे हैं इससे हमने कई सारी बीमारियां हटा दी, माँ को बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हटा दिए, जिसमें सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा अंडा बनने से जो ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन का था, दूसरा प्रेगनेंसी फेलियर इम्प्लांटेशन फेलियर का था, और और जो बच्चे कमज़ोर पैदा होते थे थोड़े से बाकी बच्चों से वो हमने दूर कर लिया। लेकिन अब हर चीज़ जब आगे बढ़ती है 8-10 साल चलती है तो हम बाकी चीज़ें देखते हैं। आज की तारीख में अब हम ये देखने लगे हैं कि ये बच्चे हमारी सक्सेस रेट तो FET साइकिल में बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन इन माओं को थोड़ा ब्लड प्रेशर और प्रेगनेंसी के दौरान शुगर होने की संभावना ज़्यादा है, ये बच्चे थोड़ा हेल्दी ज़्यादा हो रहे हैं, तो अब हम लोग ये कोशिश करने की जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस पेशेंट में हमको फ्रेश ट्रांसफ़र देना चाहिए और किस पेशेंट में हमको FET करना चाहिए। तो ये अभी रिसर्च का विषय है, इस पर बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं और अकॉर्डिंगली हम डॉक्टर्स अपनी टेक्निक को दिन प्रतिदिन मॉडिफाई करते रहते हैं। तो ये तो पूरी प्रक्रिया थी, IVF की जर्नी थी, IVF काम में कैसे कैसे चीज़ों का माइलस्टोन मेन हुआ वो मैंने आपको बता दिया। अब वो कौन से लोग हैं जिनको IVF की ज़रूरत होती है,
जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे पहला ग्रुप जिसके लिए IVF का आविष्कार हुआ था वो हैं जिनको बाइलैटरल ट्यूबल ब्लॉक है, जिनकी दोनों ट्यूब्स बंद हैं, उनके लिए टेस्ट ट्यूब बेबी बना था। उसके बाद आगे चल के ये उनके लिए भी इस्तेमाल होने लग गया। जिन लोगों को सब कुछ नॉर्मल रहते हुए भी 10 साल 15 साल 20 साल तक बच्चा नहीं होता है, जिसको हम अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी कहते हैं, उनका ट्रीटमेंट फर्स्ट लाइन IUI है। अगर IUI फेल हो जाता है तो सेकंड लाइन ट्रीटमेंट उनका टेस्ट ट्यूब बेबी है, हमने उन पे करना शुरू किया। फिर तीसरा वो पेशेंट्स हैं जैसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के पेशेंट। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के पेशेंट्स को अंडा बनने में दिक्कत होती है, अगर उनको दवा कम पड़ जाए तो अंडा बनता नहीं है, अगर उनको दवाएँ और इंजेक्शन तेज दे दिए तो उनको बहुत सारे अंडे बन जाते हैं। बहुत सारे अंडे अगर बन गए तो गर्भ कैसे रुकेगा, 4-5 बच्चा तो इंसान पाल नहीं सकता है, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो पेशेंट पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के, जिनको नॉर्मल तरीके से स्टिमुलेट करके बच्चा नहीं हो रहा है, उनके लिए थर्ड लाइन ट्रीटमेंट। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के पेशेंट का फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती रहती हूँ। सेकेंड लाइन दवाएँ हैं और थर्ड लाइन पर IVF आता है। तो उन लोगों को कभी कभी जब बच्चा नहीं होता है तो पहला बच्चा मैं सलाह देती हूँ कि IVF से कर लें। उसके बाद देखा गया है कि कई बार हार्मोनल करेक्शन बहुत तेज़ी से होता है और सेकेंड बेबी उनको नॉर्मल भी हो जाता है। उसके बाद से फोर्थ नंबर पे आपके मेन मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी आ गया। जिन पुरुषों में स्पर्म की संख्या 10 मिलियन से नीचे थी, 14 लाख शुक्राणु अगर होते हैं मिनिमम, तो एक शुक्राणु पहुंचता है अंडे तक, तो जिसके में उससे कम है उस पर IUI नहीं काम कर रहा है। 10 से 14 के बीच हम हमेशा पहले IUI करने की कोशिश करते हैं। अगर IUI से सक्सेस नहीं मिलती है तो फिर उनको हम IVF और ICSI करने की सलाह देते हैं। जो सिवियर और मॉडरेट एज ओलिगो एस्थेनोटेराटोजूस्पर्मिया के पेशेंट्स होते हैं, जिनके शुक्राणु कम भी है, उनकी क्वालिटी भी खराब है, उनकी मोटिलिटी भी अच्छी नहीं है, तो वो IVF के कैंडिडेट होते हैं। फिर एक बीमारी होती है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीक बात करने वाले हैं। आज IVF वर्ल्ड एम्ब्रियोलॉजी डे और वर्ल्ड IVF डे था, तो आज मैंने ये टॉपिक चेंज कर दिया। पिछले हफ्ते मेरी कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैं आप लोग के बीच नहीं आ पाई थी, मुझे एंडोमेट्रियोसिस के बारे में बात करनी थी। तो ग्रेड 3 और 4 एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट होते हैं जिनके ऊपर IVF बेस्ट काम करता है। उसके अलावा बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनको प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर हो गया है, उनके अपने शरीर में अंडा नहीं है, उनको समय से मासिक नहीं आ रहा है, उनको डोनर एग्स के साथ करना पड़ता है। इसी तरह से वो पेशेंट जिनके शरीर में यूट्रस नहीं है, अपनी ओवरीज हैं, उनको सरोगेसी के लिए जरूरत होती है, उनको IVF करना पड़ता है। तो ये मोटे मोटे वो कारण हैं जिनमें हमको IVF की आवश्यकता होती है, जिसपे फर्स्ट नंबर पे ट्यूबल ब्लॉक होता है, सेकंड नंबर पे अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी होती है, थर्ड नंबर पे एंडोमेट्रियोसिस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, और उसके बाद मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी, और बाकी सारे कारण आते हैं। तो ये लोग वो हैं जिनको टेस्ट ट्यूब बेबी की हर हाल में ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा अगर आपको बच्चा होने में आपके अंदर सब कुछ ठीक है और आप 3 साल 5 साल 9 साल 10 साल हो गए और आपको बच्चा नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ आप टाइम बर्बाद मत कीजिए ये सोच करके कि जब हमारा अभी तो बहुत टाइम है, IVF तो लास्ट रिजॉर्ट है, तब हम करेंगे, ऐसा नहीं करना है। ट्रीटमेंट इनफर्टिलिटी का, जितनी आपकी इनफर्टिलिटी की ड्यूरेशन बढ़ती जाती है, आपके किसी भी ट्रीटमेंट के सक्सेसफुल होने के चांसेस ख़त्म होते जाते हैं। उसके अलावा जितनी महिला की एज बढ़ती है उसके अंदर अंडे ख़त्म होते जाते हैं, और अंडे जब कम हो जाएंगे तो प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस नॉर्मली कम हो जाएंगे। एक स्टेज ऐसी भी आ जाएगी जब आपको डोनर एग लेकर के भी IVF कराना पड़ सकता है। तो इसलिए अपनी इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट की सलाह लेकर के समय से आपको किस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, और मैं कभी नहीं कहती कि आप डायरेक्ट IVF कराइए, आप अपने डॉक्टर से मिलिए। अगर आपकी दोनों ट्यूब बंद है, आपकी उम्र 30 के नीचे है, आपकी शादी के 5 साल 10 साल से नीचे हुए हैं, तो मैं पहले लैप्रोस्कोपी करके आपके ट्यूब को एक बार ज़रूर देखना चाहूँगी और उसको खोलने की कोशिश करूँगी। उसके ऑपोजिट अगर आपकी उम्र
32, 33, 35 है, आपकी शादी के 10 साल हो गए हैं, आपकी दोनों ट्यूब बंद है, तो मैं बिल्कुल सलाह नहीं दूंगी पहले ट्यूब खुलवाने की। मैं आपसे कहूंगी कि आपको IVF के लिए जाना चाहिए, क्योंकि टाइम औरत की एज ही सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है उसकी फर्टिलिटी पोटेंशियल डिसाइड करने में। सेकेंड नंबर पे ड्यूरेशन ऑफ इनफर्टिलिटी है, थर्ड नंबर पे डायग्नोसिस है किस वजह से आपको नहीं हो रही है इनफर्टिलिटी। तो इन चीज़ों के बारे में आपका डॉक्टर ही आपको सही सलाह दे सकता है, वही आपको सही समझा सकता है कि आपको कब किस चीज़ की ज़रूरत है, तो आप इसके हिसाब से चलिएगा। तो ईश्वर ने अगर आपको दिया है वो चीज़ तो वो आपको अवश्य मिलेगी, लेकिन इन सब चीज़ों को करते हुए आपको अपना पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखने की ज़रूरत है। डॉक्टर भगवान नहीं होता है, वो आपको वही दे पाता है जो ईश्वर ने आपके लिए बना रखा है। तो जब तक वो प्रसन्न है तभी तक मेरे हाथ से आपको सफलता मिलती है। उसका ही आशीर्वाद है कि मेरे हाथों से जो कुछ भी हो पाता है जो मैं करती हूँ। तो हम दोनों को ईश्वर से प्रार्थना करना है सही दिशा में प्रयत्न करते हुए कि वो आपकी डेस्टिनी को चेंज करे और आपके घर में बच्चे की किलकारियाँ गूंजें। तो आज के लिए इतना ही, आप सबको एक बार और वर्ल्ड IVF डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे आप सबों के घर, सभी के घरों में बच्चों की किलकारियाँ गूंजें, आप सब स्वस्थ रहें, आपको डॉक्टर की आवश्यकता ना पड़े, आप सब अपने आप कंसीव कर लें। गुड नाइट, शब खैर, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। वायरल बहुत तगड़ा चला हुआ है, बच के रहो नहीं तो सबको लग जा रहा है। ठीक है, ओके, बाय बाय।